नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में कोरोना को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 10 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस महाअभियान के तहत महज सरकारी संस्थानों में ही नहीं बल्कि अन्य कई सामाजिक संगठन भी समय समय पर वैक्सीनेशन अभियान में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने लोगों को वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूक किया और बताया कि इस बीमारी से लड़ने में केवल वैक्सीन ही सहायक है। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह भी कानून मंत्री बृजेश पाठक ने दी। इस दौरान प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत भी की। आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे कानून मंत्री बृजेश पाठक भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस वैक्सीनेशन कैंप में कितनी डोजे लगेंगी? चलिए 800 से अधिक डोजे लगी उपलब्ध करा दी गई हैं और हम किसी को भी लखनऊ में बगैर वैक्सीनेशन के छोड़ेंगे नहीं। हम अभी तो मोहल्ले वाइज कैंप लगा रहे हैं, फिर गलियों वाइज कैंप लगाएंगे, इसके बाद हम सभी के घरों में भी दस्तक देंगे। और जो असहाय हैं, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके घरों में भी जाकर के हम वैक्सीनेशन लगाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव करीब है, किसान अभी तक कृषि बिल को लेकर संतुष्ट नहीं है, ऐसे में कैसे किसानों को संतुष्ट करेगी सरकार? बात चल रही है, आपको तो सब पता ही, आप तो कानून मंत्री बृजेश पाठक भी हैं, जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में 800 से अधिक लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी और विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ही बनेगी।